Hello aspirants, welcome to my channel Judiciary with Ruchi. So how are you guys doing? आज हम करने वाले हैं circumstantial evidence and related उसके कुछ parts और उसके बारे में हम कुछ देखेंगे कि किस किस तरीके से motive role play करता है circumstantial evidence में, yes evidences क्या होते हैं और उनके admissibility. So we are going to do this today. So basically हमने कल सर्कमस्टांशियल एविडेंस पढ़ लिया था कि भाई किस किस तरीके से एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो एक चेन बनाता है क्राइम की, ठीक है, और जिससे एक कोर्ट को हेल्प मिलती है किसी भी डिसीजन को जजमेंट पास करने के लिए. तो आज हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट सीन थ्योरी का जो है कंसेप्ट वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या रोल प्ले करता है, ये हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी जजमेंट्स में ये बात कही गई है. जैसे एक केस था हमारे पास स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश का केस था और कुछ और भी लीडिंग केसेस हैं. तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि लास्ट सीन थ्योरी का कंसेप्ट क्या है. लास्ट सीन ऐसे जैसे आपको नाम बता रहा है कि जब एक्यूज्ड और डिसीज्ड साथ में जिंदा देखे गए थे, सीन अलाइव टुगेदर, बेसिकली ये चीज़ है. जब उन दोनों को एक साथ देखा गया था उस टाइम की बात करता है कि डिसीज्ड, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है जब इन दोनों को साथ देखा गया था और जब डिसीज की डेथ हुई वो पॉइंट ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट था. इतना शॉर्ट था, इतना स्मॉल था कि हम ये पता लगा पाते हैं कि हाँ भाई जो मर्डर है वो एक्यूज ने किया है. कैसे? बेसिकली एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों पार्टी कर रहे थे, ठीक है. बी और सी के बीच में कोई झगड़ा होता है और बी और सी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं. ये बात लीजिए संडे की बात है, ठीक है, संडे की ये बात है. इन्होंने पार्टी शार्टी करी और ये दोनों अपने अपने घर निकल लिए. अब इन दोनों में इतनी ज़्यादा बहस पड़ गई कि बी ने उसको धमकी दी कि तेरे को तो मैं देख लूँगा, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं. ये कह के दोनों अपने अपने घर चले गए. अब बी गया अपने घर, उसने गन उठाई, वो पहुंचा सी के प्लेस और उसने वहाँ पे उसको गन से शॉट कर दिया तो सी की डेथ हो गई. अब फैक्ट एंड इशू क्या था कि क्या बी ने सी को मारा. तो इस केस में जहाँ हम कहेंगे कि इफ बी कमिटेड सी इज मर्डर, ये क्वेश्चन इन इशू है हमारा, ये फैक्ट इन इशू है. तो इसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने अलग अलग विटनेसेस बुलाए. तो विटनेसेस में बुलाए तो उन्होंने कहा कि सर अब अंदर देखने वाला कोई भी नहीं था, बी और सी को देखने वाला कि बी ने सी का मर्डर कमिट किया है, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं था. बट ये था कि कुछ लोग जो उनके आस थे, नेबर्स थे जो सी के, उन्होंने देख लिया कि भाई रात के 12 बजे के आसपास जो हमारा ये बी है ये सी के घर से बाहर निकला है, ठीक है, कि भाई इसे हमने इसको बी को देखा था लास्ट टाइम, ये उसके घर गया था और उसके बाद 12 बजे के आसपास इसके घर से बाहर निकला है. अगले दिन जब सब उठे, अगले दिन मॉर्निंग में मंडे को पता चलता है सी डेड है. अब इस केस में जो लास्ट सीन थ्योरी का कंसेप्ट है वो ये अराइज होगा कि लास्ट सीन जब बी और सी दोनों को देखा गया लास्ट, तो वो कहाँ पे था? लोगों ने कहा कि बी और सी दोनों घर में थे. उसके बाद अगले दिन सी मर गया. तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है कि एक दिन संडे को उसको देखा गया और मंडे को उसकी डेथ हो गई, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम जो एक्यूज और ये डिसीज जो है इन दोनों को देखा गया,
ये पॉइंट ऑफ टाइम बहुत स्मॉल था कि हम ये प्रोबेबिलिटी लगा पाएं कि ये मर्डर किसी और ने कमिट किया. ऑब्वियसली बात है, एक प्रिजम्पशन तो यही रेज होएगी ना. प्रिजम्पशन क्या रेज होएगी कि हाँ भाई बी ने सी का मर्डर किया है, एंड दैट टू क्योंकि उनके बीच में फाइट भी हुई थी. अदर एविडेंसेस भी हम देखेंगे, उन्होंने उसको धमकी भी दी थी बी ने कि भाई तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं जान से मार दूंगा. तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके इनकी एक चेन फॉर्म हो रही है और जिसमें लास्ट सीन थ्योरी का ये कंसेप्ट अराइज हो रहा है. अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम देखिए बहुत शॉर्ट है, बहुत स्मॉल है. जिस दिन बी का मर्डर हुआ, जिस दिन बी ने सी का मर्डर किया और जब उन दोनों को सीन टुगेदर उनको देखा गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम बहुत स्मॉल है. तो हम ये एक प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ भाई हो सकता है कि बी ने सी का मर्डर किया हो. प्रोबेबिलिटीज तो उसकी तरफ जा रही है ना, कंसिस्टेंट तो यही हो रहा है कि वो बी गिल्टी है. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो जाती है. अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिकली हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं कि हम ये बोले कि हाँ भाई इतना पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज़ द मिनिमम और या मैक्सिमम टाइम लिमिट टू बी गिवन व्हेन दे वर सीन टुगेदर. इसमें सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा एंटायरली कि क्या हम उसके अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, अक्यूज के अगेंस्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर पा रहे हैं, या वो कमिट किया है या नहीं किया. इट्स ऑल ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस. सो लास्ट सीन थ्योरी में अगर हम इसका वाइस वर्सा एक तरीके से देखें, मान लीजिए ए और बी दोनों घूमने गए, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, अब दोनों घूमने गए, अब इन दोनों के बीच में एक फाइट हुई और दोनों अपने अपने घर चले गए. तो जब ये दोनों घर गए, संडे को लगा लीजिए दोबारा से, संडे को दे वेंट होम और उसके बाद नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे लगा लीजिए, फ्राइडे को बी का मर्डर हो गया. अब इस केस में क्या हम ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर पाएंगे कि जो ए है उसने बी का मर्डर किया है? नो, बिकॉज टाइम गैप बहुत ज़्यादा है इन दोनों के मिलने का. टाइम जब ये दोनों एक साथ देखे गए थे, जब इसकी डेथ हुई थी उससे पहले जब ये दोनों साथ देखे गए थे, उसका टाइम गैप बहुत कम है. तो हम ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि ए ने बी का मर्डर किया, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ टाइम में, उसके संडे से लेके फ्राइडे से लेके जो 4-5 दिन गए हैं उसमें वो बंदा बहुत लोगों से मिला होगा. हम अभी मोटिव की बात नहीं कर रहे हैं गाइस कि उसका कोई मोटिव था नहीं, हम सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी का कंसेप्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करेंगे कि ए ने बी का मर्डर किया है, क्योंकि उसके बाद तो वो अपने घर भी गया है, उसके बाद वो अपने ऑफिस भी गया है, उसके बाद वो अपने पार्टी करने के लिए फ्रेंड्स के साथ फिर गया है. तो बहुत सारे मल्टीपल एक्ट्स यहाँ पे हो चुके हैं, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर चुका है, तो हम ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करेंगे. सो बेसिकली जो लास्ट सीन थ्योरी का कंसेप्ट है वो यही कहता है कि जो टाइम गैप है बिटवीन द पॉइंट ऑफ व्हेन टाइम व्हेन द एक्यूज्ड एंड द डिसीज्ड वर सीन अलाइव एंड व्हेन द डिसीज्ड इज फाउंड डेड, वो इतना स्मॉल है कि हम ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी नहीं रेस कर पा रहे कि एक्यूज ने ही वो क्राइम कमिट किया है. ठीक है, ये हो गया. और हमने देख लिया कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम अगर बहुत ज्यादा है, टू रिमोट है, तो ये कंसेप्ट उस पर अवेलेबल नहीं होगा. बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो ये चीज़ हो गई. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अच्छा, हम एक चीज़ और आती है इसमें कि जैसे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर जो केस बेस्ड होता है उसमें लास्ट सीन जो है ना, ये खाली इसके बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर थोड़ा सा वाइड है, जैसे मान लीजिए कि इस सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो जाएगा, उसके साथ साथ हमें और कोऑपरेटिव एविडेंस चाहिए होंगे. ठीक है, पॉसिबिलिटीज रेज हो रही हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बनेगा ये एक्यूज्ड का. ठीक है, एक तो ये चीज़ है. उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अब हमने देख लिया अगर टू वाइड गैप डिस्टेंस है तो फिर हम उससे कन्विक्ट नहीं करेंगे.
बेसिकली वो चेन फॉर्म हमारी होनी चाहिए. अगर वो चेन नहीं फॉर्म हो रही तो वी विल नॉट बी हेल्डिंग द एक्यूज्ड गिल्टी. एक ये चीज़ है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, मोटिव इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस. अब मोटिव क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम. वी हैव स्टडीड इन आईपीसी कि मोटिव जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक नेसेसिटी, एक इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. मोटिव इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कमिटल ऑफ क्राइम. वो हम नहीं देखते मोटिव को. तो मोटिव का सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्यों रोल प्ले हो जाता है? क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं. सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मोटिव जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज इट हेल्प्स द कोर्ट टू अराइव एट सम प्रोबेबिलिटीज, एट सम इन्फ्रेंस कि हाँ, उसके पास ये मोटिव था करने का, सो उसने ये किया होगा. हम बस एक चेन फॉर्म करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं. बट इन केस अगर ये है कि भाई कोई मोटिव अराइज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कन्विक्शन हम कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है. इसके बिना भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव किया जा सकता है, गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. ऐसा नहीं है कि मोटिव बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. इट प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, पर ऐसा नहीं है कि अगर मोटिव नहीं है तो हम उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई मोटिव नहीं था तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे तो उसने क्राइम कमिट नहीं किया. ठीक है, इट्स ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. तो एक केस था हमारे पास जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें ये बात कही गई थी. जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि किसी भी केस में जहाँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मोटिव एक एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस रखता है, बट उसके एब्सेंस में अगर हम ये कह दें कि भाई वो जो हमने जजमेंट सुनाई है वही गलत है, इज़ नॉट करेक्ट, इट्स नॉट देयर, वो कहना गलत होगा. तो इस केस में ये बात कही गई थी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी मोटिव. हमने कर लिया सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या रोल प्ले करता है. अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एविडेंस की तरफ जो कि हैं मेडिकल एविडेंस. देखिए, आपको क्या लगता है मेडिकल एविडेंस कैसा एविडेंस है? मेडिकल एविडेंस इज व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस? इट इज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस. मतलब हम फॉरेंसिक एविडेंस जो मेडिकल एविडेंस है उसको हम कॉरोबरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. किस चीज़ को कॉरोबरेट करने के लिए? जो ओरल एविडेंस, जो ऑक्यूलर एविडेंस दिए जाते हैं विटनेस के द्वारा, उनको कॉरोबरेट करने के लिए हम लोग मेडिकल एविडेंस कहते हैं. जैसे मान लें किसी का खून हो गया तो उसने कहा कि हाँ भाई मैंने तो देखा था खून होते हुए, पर मेडिकल एविडेंस उसको कॉरोबरेट करने के लिए काम आता है कि क्या उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आई है कि हाँ भाई इसका खून इस तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था. तो उस चीज़ को कॉरोबरेट करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, मेडिकल एविडेंसेस को. ठीक है, सेकेंडली क्या है कि बेसिकली ये जो है, जो हमारे ऑक्यूलर एविडेंसेस होते हैं ना, ओरल एविडेंसेस, हम इनको ज़्यादा महत्व देते हैं, इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राइमेसी देते हैं कि मतलब हम इसको मानेंगे ओवर दी मेडिकल एविडेंस. क्यों? क्योंकि दे आर फॉलिंग इन द डायरेक्ट एविडेंस, है ना. अगर किसी ने कहा है तो हम उस चीज़ को पहले मानेंगे. तो इस केस में जब भी आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आती है, क्योंकि मेडिकल एविडेंस बेसिकली ओपिनियनेटिव होते हैं, ओपिनियन ही तो देता है इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल एक्सपर्ट अपना, तो ये ओपिनियनेटिव होते हैं. तो जब भी कोई ऐसी इंजरी कोई क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई उसने इन्फ्लिक्ट करी, उसने ओरल टेस्टिमनी किसी बंदे ने दी है, देन हम उसको पहले प्राइमरी सी देंगे, पहले उसको हम कंसिडर करेंगे
ओवर द मेडिकल एविडेंसेस. ठीक है, बेसिकली हम कह रहे हैं कि ओरल एविडेंस की ग्रेटर एविडेंशियरी वैल्यू होएगी. ठीक है, और जहाँ ऐसा लगता है कि भाई बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस है, मतलब इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है इन दोनों की चीज़ों में. भाई अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम इस चीज़ का, उससे हम क्लियर कर लेंगे. ए बी सी ये तीन लोग हैं, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, रोड पे खड़े हैं, दोनों में फाइट हुई, बी ने सी को गोली मार दी, गन शॉट कर दिया उसके ऊपर. ठीक है, बी ने सी को, अब बी मर्डर्ड सी, ये हमारा फैक्टिंग इशू है, है ना. वहाँ पे एक बंदा खड़ा था डी, जो कि आई विटनेस था, उसने कहा कि भाई मैंने देखा था कि बी ने सी को गोली मार दी. तो यहाँ पे इसकी जो इसकी वैल्यू है, एविडेंशियरी वैल्यू, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बंदे ने डायरेक्ट एविडेंस दिया, खुद देखा है. ठीक है, एक तो ये केस हो जाएगा. दूसरा ये हो जाएगा कि मेडिकल रिपोर्ट में अगर ये चीज़ आती है कि हाँ ही वॉज शॉट बाय अ गन एंड ही वॉज द डेथ, द रीज़न ऑफ हिज डेथ वॉज द शॉट ऑफ द गन, तो ये हम इसको कॉरोबरेट कर लेंगे. कॉरोबरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ हो जाएगा ना, कि हाँ भाई उसने भी देखा था, और मेडिकल रिपोर्ट में भी यही आया कि हाँ भाई इसकी मौत जो है वो गन से हुई है, और जिस फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बी के मिले हैं हमें गन पे, तो वो कॉरोबरेट कर लेगा. तो हम इसको पहले, एविडेंशियरी वैल्यू इसकी ज़्यादा होएगी, जो ओरल एविडेंस जो टेस्टिमनी दे रहा है. अब एक ही केस में क्या है कि वही सेम सिचुएशन है, डी ने बोला कि मैंने देखा गोली मारी है, बट एक्चुअली में होता क्या है, मेडिकल एविडेंसेस में ये आ रहा है कि भाई गन तो उसको लगी ही नहीं, गन से उसकी मौत नहीं हुई है, बेसिकली उसको तो हार्ट अटैक आया है. तो इस केस में जहां बहुत डाइवर्स, जहां बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स अराइज हो रहे हैं, जहां ये कॉन्ट्राडिक्शन इतना ज्यादा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उनकी स्टेटमेंट, इज टू वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड है ना इनमें, कि भाई वो मेडिकल एविडेंस जिसको कम्प्लीटली रूल आउट कर रहा है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को, कि हाँ भाई ऐसा सच में हुआ था, तो इज रूलिंग आउट दी ऑल दी पॉसिबिलिटीज़, कि हाँ भाई उसका मर्डर जो है वो गन से हुआ है. तो इस केस में हम ऑक्यूलर एविडेंसेस को डिसरिगार्ड कर देंगे, या हम उसे डिसबिलीव कर देंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है. समझ में आ रहे हैं, दे विल बी कॉरोबरेटिव, दे विल बी सपोर्टिंग दी फैक्ट इन इशू व्हेन देयर इज़ अ ओरल एविडेंस और ओरल टेस्टिमनी ऑफ एनी विटनेस. एंड अगर बहुत ज़्यादा ही उनमें वाइड और बहुत एक्सट्रीम कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, तो हम उस केस में जो है मेडिकल एविडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल एविडेंस. अच्छा, अब सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में बेसिकली क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम किस तरीके से एविडेंस को क्रिमिनल केसेस में मानते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है. इफ वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस, सो क्या है वो, बेसिकली द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना. उसको रीजनेबल डाउट से नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कि एक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया. अगर ऐसा लगता है या डाउट है, तो उसको डिसकार्ड कर दिया जाएगा, एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, ही विल बी एक्विटेड. यही होता है ना, कि उसको अपना केस, क्योंकि एक प्रिजम्पशन तो हमें यही है ना, कि एक्यूज इज़ प्रूवन गिल्टी
अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सॉरी अंटिल प्रूवन गिल्टी, यही है। तो प्रोसिक्यूशन को अपना जो केस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। उसको प्रूफ ऑफ वेटेज क्या है, मतलब कितना क्राइम उसने किया है क्या नहीं किया, उसके अलॉन्ग उसको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, एंड देन ओनली विल कम टू द वर्डिक्ट ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। नाउ अब इसमें हमारी कुछ ये चीज़ें कि भाई, एक तो उसको अपना रीजनेबल डाउट जो है उसको वो नहीं छोड़ना है, प्रूफ करना है, वो काम प्रोसिक्यूशन का है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विल प्रूव द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा एक्यूज को जहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्ट है जो बता रहा है उसकी विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं क्रिमिनल केसेस में एज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अब इसी तरीके से अगर हम सिविल केसेस में देखें तो सिविल केसेस में बेसिकली होता क्या है, कंपनसेशन ही तो होता है, हम किसी को सजा तो नहीं सुनाते ना। तो कॉम्पनसेशन जो होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के उस पर होता है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड तो उसको प्रूफ करना नहीं है केस को, यहाँ तो हम बस ये देखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, किसने क्या किया, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों जो पार्टीज हैं दे कम टू अ बैलेंस्ड सिचुएशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज देखते हैं हम सिविल केसेस में। जैसे आपने ए ने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट कि हाँ भाई इसने तो ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का और अब मेरे पास तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये देखेगी कि भाई इसके ब्रीच से इसको कितना डैमेज हुआ है, तो उसको कॉम्पनसेशन दिलाएगी। बेसिकली पार्टीज को क्या करिए, उनकी प्रोबेबिलिटीज को जज करिए कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटीज है, उसको कितना नुकसान हुआ है, उसको कितना डैमेज वापस मिलना चाहिए फेवरेबल कंडीशंस में लाने के लिए, ये किया जाता है। ठीक है गाइस, दिस इज वन थिंग। सो आपको समझ में आ रहा है ना, वी आर गेटिंग इट। सो नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द हु कैन गिव एविडेंस इन कोर्ट, हु कैन गिव एविडेंस इन कोर्ट, कौन दे सकता है एविडेंस कोर्ट में। Anybody who is acquainted with the facts of the case can give evidence। ठीक है, कोई भी बंदा जो कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को जानता है किसी भी केस की, वो आके जो है एविडेंस दे सकता है। आपसे कभी भी प्री में पूछा जाए ना कि हु कैन गिव एविडेंस इन कोर्ट, तो आपको ये देने का एनीबॉडी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस कैन गिव द एविडेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट जो आज हम डील करने वाले हैं कि एविडेंस क्या नहीं है, वट इज नॉट एविडेंस। अभी हमने कुछ देखा था पिछले वाले सेक्शन में कि एविडेंस क्या क्या होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट बाइफिकेशन अभी हम करने वाले हैं कि क्या कोर्ट में जो भी आके कुछ भी बोल रहा है वो सभी एविडेंस मान लिया जाएगा। देयर इज अ सेक्शन इन सीआरपीसी जो आप देखेंगे सेक्शन 313। अगर आपके पास बेयर एक्ट्स हैं तो प्लीज़ निकाल लीजिए अपना सीआरपीसी का बेयर एक्ट, उसमें एक हम लाइन रीड करते हैं। तो 313 कहता है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, एग्जामिन द एक्यूज्ड। सी, इसमें कोर्ट को पावर दी गई है कि वो एक्यूज को एग्जामिन कर सकता है किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल में, को अनेबलिंग द एक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेज अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। अब देखिए, जो मान लीजिए ए और बी, ए ने बी का मर्डर किया, ये फैक्ट एंड इशू है, तो बी से पूछा जाता है कि भाई
तेरे खिलाफ खिलाफ ये आए हुए हैं, तो तू बता क्या किया है तूने ऐसा। कोर्ट पूछ लेता, आपने कभी मूवीज में भी देखा होगा तो कोर्ट पूछता है क्या तूने किया है। तो वो जो भी उस वक्त स्टेटमेंट देगा अंडर सेक्शन 313, वो एक तो ओथ पे नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन ओथ, नो ओथ एडमिनिस्टर्ड, शैल बी लिखा हुआ है, नॉट ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड, आप सबसेक्शन 2 देखेंगे ना। तो यहाँ पे जो भी वो स्टेटमेंट देगा, इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एविडेंस, नॉट ट्रीटेड एज एविडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो ओथ पे नहीं है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला कोई नहीं है, कोर्ट सिर्फ उससे पूछ रहा है एज कि भाई तू बता तूने किया है नहीं किया, ठीक है। अगर इस सेक्शन में अगर उससे कोई पूछ ऐसा लगता है, कोर्ट उससे कुछ भी पूछ सकता है, अगर उसका मन है तो वो जवाब दे सकता है, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसके कुछ भी कहने से उसके अगेंस्ट जा रही है वो स्टेटमेंट, तो वो उसको डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। जैसे आप अब नेक्स्ट देखेंगे, द अक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग एनी ऑफ सच क्वेश्चन गिविंग फॉल्स आंसर्स टू देम। बेसिकली क्यों दे रहा कि अब उसको कोई भी आंसर देना मैंडेटरी नहीं है, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो वो दे रहा है वो उसको पनिशमेंट के लायबल नहीं करेगी, इट विल नॉट बी पनिश, इट विल नॉट बी पनिश्ड, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं सिर्फ उसको एक्यूज को एग्जामिन किया जा रहा है, यहाँ पे उसको सजा सुनाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी जा रही, तो ऑब्वियसली उसको कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा उसे कि भाई तू बता तूने ऐसा किया था नहीं किया था। अगर वो मना करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ही शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ टू बी लायबल फॉर द पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये एविडेंस के तौर पे ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि हम उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहे, उससे ओथ नहीं ले रहे। ये चीज़ आती है हमारी 315 में, आप CRPC का 315 निकालिए प्लीज़, और उसमें देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये दे रखा है कि एक्यूज्ड टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। व्हाट डज इट मीन कॉम्पिटेंट, मतलब ही इज कॉम्पिटेंट, मतलब वो दे सकता है अपनी कोई भी स्टेटमेंट एज अ विटनेस। तो इसको रीड करते हैं एक बार, एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शैल बी कम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ। सी, इसमें जो हमारी हो रही है स्टेटमेंट रिकॉर्ड वो ओथ पे हो रही है, मीन्स ये यहाँ उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, और उसकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो रही है एज अ विटनेस, ही इज हिमसेल्फ अ कॉम्पिटेंट विटनेस नाउ, तो वो अपने डिसप्रूफ में स्टेटमेंट दे सकता है कि हाँ भाई मैंने तो ये नहीं किया, ये तो ऐसे ऐसी बात थी, इस चीज़ पे उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, और ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर द पनिशमेंट अगर उसमें ये चीज़ कोई भी उसके अगेंस्ट यूज़ होती है। तो ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो उसको खुद एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हाँ भाई आई वॉन्ट टू बी द विटनेस इन दिस केस, ठीक है। नाउ हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट बाय एनी ऑफ द पार्टीज और द कोर्ट और टू गिव राइज टू प्रजम्पशन अगेंस्ट हिमसेल्फ और एनी पर्सन चार्ज टूगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, ठीक है। अगर वो एविडेंस इसके अपने खिलाफ अगर उसने कोई एविडेंस दिया और उससे प्रूव नहीं हुआ कि हाँ भाई उसने तो ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट ही प्रजम्पशन ड्रॉ हो जाएगी कि हाँ भाई उसी ने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट, यही था हमारे पास कि हम जो 313 में दे रहे हैं वो हमारी एविडेंस नहीं है, और 315 में जब एक्यूज्ड एज विटनेस अपीयर हो रहा है कोर्ट के सामने, तो वहाँ वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा एंड देन एविडेंस कैन बी गिवन। ऑब्वियसली वो एविडेंस देगा ना अब डिसप्रूफ में कि हाँ भाई नहीं ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन वॉट इज़ नॉट एविडेंस। अब इसके अलावा क्या है कि कुछ सपोजिशंस हैं कि कोर्ट खुद से ही मान ले ना,
कोर्ट की सस्पिशन, कोर्ट को अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा हो सकता है, उसमें सस्पिशन का कोई रोल नहीं है। अगर कोई भी जस्टिफाइड तरीके से, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड कि हाँ भाई कोर्ट को अगर लग रहा है कि इस बंदे ने, एक्यूज ने कमिट किया है ऑफेंस, तो वो एविडेंस के तौर पे एनेबल नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सस्पिशन है, वो सपोजिशन है कोर्ट की। हमें तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए ना। किसी के लगने ना लगने से क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट्स, प्रूफ, एविडेंस, टेस्टिमनी, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए आपका जो डिसीजन है, जो भी आपका वर्डिक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हियरसे एविडेंसेस की तरफ। हियरसे एविडेंसेस में हम कुछ पोर्शन कर लेते हैं क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। सी, आपको पता है हियरसे एविडेंस क्या होते हैं? जनरली दे आर इनएडमिसिबल, है ना? जनरली दे आर इनएडमिसिबल इन एविडेंस, बट कुछ केसेस में, बहुत माइनर केसेस में, कुछ केसेस में हम इसका यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्नाइफर डॉग है, यू नो ना, स्नाइफर डॉग जो कुत्ते होते हैं वो घूमते रहते हैं और जो पुलिस है उनको लेके चलती रहती है, मूवीज़ में भी दिखाया होगा। तो जनरली जो इन स्नाइफर डॉग के थ्रू जो भाई उसको स्मेल कराते हैं कि हाँ भाई वो पहुँचा देता है कहीं जगह पे एविडेंस ढूंढने में, तो जो एविडेंस हम स्नाइफर डॉग के थ्रू कर रहे हैं उनको हम हियरसे एविडेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद तो आके बता नहीं रहा, कुत्ता खुद तो नहीं आके बता रहा है ना, खुद तो टेस्टिमनी दे नहीं रहा है आके कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ था। जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इस स्नाइफर डॉग को लेके गया था, बेसिकली ही इज सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम। उसके अकॉर्डिंग, उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग ये चीज़ चल रही है कि उसने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो हियरसे की एविडेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सो दिस विल नॉट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कैन नॉट बी टेकन फॉर द पर्पस एज एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हम डील कर रहे हैं और हमने देखा कि हमें तो भाई ये डॉग ने ना उसका एक कपड़ा वपड़ा खाया और पता चला कि हाँ भाई वो एक एक्यूज्ड है, तो हम इसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं कर लेंगे, हम इसके बेसिस पे एस्टैब्लिश नहीं करेंगे कि भाई एक्यूज्ड गिल्टी ऑफेंस का, नो। ठीक है, एक तो ये चीज़ है आपको याद रखनी है, ये आपका प्रीमियम भी आ सकता है। नाउ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो होती हैं, यू नो ना, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स क्या होती हैं? डायरेक्ट एविडेंस होती हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती हैं, कैसी होती हैं? दीज आर द हियरसे एविडेंसेस। क्यों? क्योंकि कई सुनी बातों को लिखा जाता है और उसके थ्रू वे किसी और के पास रीच करती हैं, तो ये भी एक तरीके से हियरसे एविडेंस हो जाता है। तो इनकी कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू एज सच नहीं है, नो एविडेंशियरी वैल्यू एज सच, एंड इट इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। न्यूज़पेपर का आप लेके नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये एडमिसिबल है, ये एडमिसिबल नहीं होगा अनलेस, अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा कुछ है जो आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट से पता चल रहा है, तो अनलेस उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक करें, आप मतलब वो कोर्ट चेक करें, ऑथेंटिसिटी इज़ टू बी चेक्ड कि हाँ भाई वो कितनी सही बात है। अगर उसको लगता है कोर्ट को कि हाँ जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं ऑथेंटिक हैं, रीजनेबल हैं, तो वो एक्शन ले सकता है ऑन सुओ मोटो, खुद अपने बेसिस पे भी एक्शन ले सकता है कोर्ट। ठीक है, जनरली तो ये हियर से ही होंगी और इनकी एविडेंशियल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होती है। ठीक है, सुओ मोटो कोर्ट ले सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ प्रिंट हुई है, कोई ऐसी बात है जिसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं तो रिपोर्ट छप जाते हैं न्यूज़पेपर में, तो सुओ मोटो क्या है, वो कोर्ट को पावर दी गई है कि वो खुद भी कॉग्निजेंस ले सकता है, तो वो क्या करेगा, वो खुद ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी कि भाई उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि कितनी वो सही है, और उसके बाद वो खुद ले सकता है।
कॉमन, ठीक है। नौ, अब इलेक्ट्रॉनिक टेप्स होती हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था कि वो भी एडमिसिबल हो जाएंगे एविडेंस में, बट वही है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, तो कोर्ट उनको कंसिडर कर लेगा, एज अप्लाइज टू द वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। और ऑन इट्स ओन मोशन तो कोर्ट कोर्ट ले आता है, सुओ मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन, कोर्ट को जब खुद लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है, वहाँ वो ले लेगा। ये हो गया हमारा आज का एविडेंस। सो आई थिंक वी आर डन विद द एविडेंस, जितना हमें करना था। आप लोगों को समझ में आया गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना समझ में आए तो प्लीज़ बताइए मुझे। हमने मेन एविडेंस सारा अब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द विटनेसेस, कि विटनेसेस किस किस तरीके के होते हैं और क्या क्या उनकी बाइफर्केशन करेंगे हम विटनेसेस की नेक्स्ट वाले हमारे लेसन में। सो टिल नाउ कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताइएगा। आपने अगर पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक देम इन माई प्रोफाइल। सो सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज, बाय बाय।